हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉपटेक क्लासेस। और मैं हूं बच्चों प्रज्वल सिंह, आपका केमिस्ट्री मेंटर। बच्चों आज यहां पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम देखेंगे आपका क्लास 12 की केमिस्ट्री। और बच्चों इसमें हम क्या देखेंगे आज आपका, समीकरण। मेरे दोस्त जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोस्त, नॉन नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोस्त। अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष क्या था बच्चों, आओ इसके बारे में हम जानें। तो जैसे बच्चों कोई क्रिस्टल है, और यदि क्रिस्टल से यदि कोई हमारे क्या बच्चों क्रिस्टल है, और यदि क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या हो जाए, अस्थिर हो जाए, असमान हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष, अरस समीकरणमिति दोष। तो जैसे हमने यहां पर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, जैसे बच्चों यहां पर हमने सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल लिया। अब इस क्रिस्टल को हमने क्या किया बच्चों, गर्म किया। इस क्रिस्टल को हमने क्या किया, गर्म किया। और जब हमने गर्म किया तो हम देख रहे हैं Na यहां से कोई सोडियम आयन, क्या बच्चों, सोडियम आयन क्रिस्टल से बाहर चला गया। और स्टार्टिंग बच्चों यहां पर क्या था, सोडियम आयन था। यदि आप सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का रेशियो देखेंगे, अनुपात देखेंगे, तो कितना है सोडियम, 1 2 3। अब क्लोराइड आयन बच्चों कितना है, 1 2 3। अगर बच्चों से कैंसिल आप करेंगे तो कितना आ गया, 1:1 आ गया। अब जब बच्चों इसको हमने गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, गर्म करने पर, तो बच्चों जब हमने इसको गर्म किया तो हम क्या देख रहे हैं, कोई सोडियम आयन जो था बच्चों क्रिस्टल से बाहर चला गया। कहां चला गया, ये क्रिस्टल से बाहर चला गया। और जब क्रिस्टल से बाहर चला गया तब आपसे कोई पूछे कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का क्या रेशियो क्या है, अनुपात क्या, तो क्या होता है, कितने सोडियम बच्चा, 1 2। और क्लोराइड आयन बच्चों कितना है, 3। तो क्या सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का जो अनुपात है बच्चों क्या समान बना रहा है, यहां पर 1:1 है, यहां पर क्या 2:3 हो गया, मतलब बदल गया। यदि धनायन और ऋणायन का अनुपात बच्चों क्या हो जाए, अस्थिर हो जाए, क्या हो जाए, अस्थिर हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अरस समीकरणमिति दोष, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। तो और इसे हम लिख लेते हैं, तो बच्चों इसका हम क्या लिखेंगे कि जब वह दोष, वह दोष जिसमें क्रिस्टल के धनायन
वरणायन, वह दूध जिसमें क्रिस्टल के धनायन वरणायन का अनुपात, क्रिस्टल के धनायन वरणायन का अनुपात क्या है बच्चों? अस्थिर मतलब बच्चों असमान, अस्थिर मतलब क्या? असमान हो जाता है। तो उसे अरस समीकरण मिति, तो उसे अरस समीकरण मिति, तो उसे अरस समीकरण मिति मतलब बच्चों नान स्टाइकियो, नान स्टाइकियो मिट्री दोष कहते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आई बच्चों? तो जैसे यहां पर हम आपका एक क्रिस्टल ड्रा करते हैं बच्चों, किसका? सोडियम क्लोराइड का। यहाँ बच्चों ने क्या किया, एक सोडियम क्लोराइड का क्या ड्रा कर दिया, क्रिस्टल ड्रा कर दिया। सोडियम क्लोराइड का बच्चों क्या ड्रा कर दिया, एक क्रिस्टल ड्रा कर दिया। और जब बच्चों ने क्या किया, इसको गर्म किया, क्या किया इस क्रिस्टल को गर्म किया। तो जब हम गर्म किए तो हम क्या देख रहे हैं, जब बच्चों ने इसको गर्म किया तो हम देख रहे हैं कि यहां से कोई सोडियम आयन, क्या बच्चों? इसका कोई सोडियम आयन क्रिस्टल से कहां चला गया बच्चों? बाहर चला गया। क्रिस्टल से कहां चला गया? बाहर चला गया। और जब क्रिस्टल से बाहर चला गया बच्चों, तो यहां पे धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या हो गया? स्थिर हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? अरस समीकरण मिति दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहेंगे। तो आइए देखिए कैसे। अगर यहाँ पे बात करेंगे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कितना बच्चों? यहाँ पे सोडियम एक दो तीन सोडियम है बच्चा, और क्लोराइड आयन एक दो और तीन, तीन क्लोराइड आयन है। तो इनका रेशियो बच्चा क्या निकल के आया? 1:1 आया। और यहाँ बच्चों देखिए सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इनका रेशियो कितना बच्चा? एक सोडियम दो सोडियम, दो रेशियो। और क्लोराइड एक दो और तीन, तीन है बच्चों। तो इसका जो अनुपात निकल के आया, दो अनुपात तीन निकल कर आया, तो इसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या हो गया बच्चों? अस्थिर हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहेंगे। अब कुछ पॉइंट की बात कर लीजिए बच्चों, अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर ले हम इनके संबंध में, महत्वपूर्ण बिंदु, अगर बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें यहां पर, तो बच्चों आपने सुना होगा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम तो कहने का मतलब कोई भी यौगिक जो होगा उसमें जो भी होगा, चाहे परमाणु हो,
चाहे आपका आयन हो, उसका जो अनुपात होता है बच्चों क्या होता है, स्थिर होता है। चाहे उसे हम किसी भी मेथड से प्राप्त करें, तो अगर हम कहें क्या आपका आरएस समीकरण मिति दोष स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं करता है, क्योंकि धनायन और ऋणायन का जो रेशियो है, जो अनुपात है, बदल गया। अगर समान होता तो कहते आप स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है, और असमान नहीं है, आपका समान नहीं है, असमान हो गया, इसलिए आप कहेंगे स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करता, तो पहली पॉइंट हो गई। और दूसरा पॉइंट बच्चों, अगर आप कहेंगे घनत्व तो बढ़ा कि घटा, तो यहां पर देखिए सोडियम आयन क्रिस्टल से बाहर गया है, क्या बच्चों सोडियम आयन क्रिस्टल से क्या गया है, बाहर चला गया है। और यदि सोडियम आयन क्रिस्टल से बाहर चला गया है, या कोई आयन क्रिस्टल में, दो कंडीशन हो सकते बच्चा, या तो कोई आयन क्रिस्टल में आ जाए, क्रिस्टल के जालक बिंदु पर आ जाए, या तो कोई आयन आपको क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तो दोनों स्थितियों में आप देखेंगे क्रिस्टल में जो धनायन और ऋणायन का रेशियो है, जो अनुपात है, अस्थिर मतलब असमान हो जाएगा। और यहां पर बच्चों आप देखिए अस्थिर हो ही गया है, मतलब अगर कोई आयन क्रिस्टल से बाहर गया तो उसके घनत्व में क्या आई, कमी आई, क्या आई, कमी आई, क्योंकि हमें पता है कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व होता है, कि द्रव्यमान घटा तो घनत्व भी बच्चों क्या हुआ, घटा। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि अरसमीकरण मिति दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है बच्चों, घट जाता है। तो आइए दोनों पॉइंट हम लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट बच्चों क्या है, अरसमीकरण मिति दोष, अरसमीकरण मिति दोष स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करता है, स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा बच्चों, अरस समीकरण मिति दोष में क्रिस्टल के घनत्व में क्या आती है, कमी आती है। दूसरा क्या बच्चों, अरस समीकरण अरस समीकरण मिति दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। दोनों हो सकता बच्चों, कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट बच्चों आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम आपका कि असमीकरण मिति दोष, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बच्चों अगर हम आपके बुक की बात करें, एनसीईआरटी बुक की, तो उसमें बच्चों टू टाइप्स दिया है, एक दिया है धनायन की अधिकता और एक बच्चों दिया है धनायन की न्यूनता, मतलब धातु की अधिकता और धातु की न्यूनता, और दोनों हम बात करें। अब बच्चों हम बात करेंगे अरस समीकरण मिति दोष, मतलब नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष के प्रकार के। तो बच्चों यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक बच्चों धनायन की अधिकता, एक क्या बच्चों धनायन की अधिकता, और एक क्या बच्चों धनायन की कमी।
कि क्या है बच्चों धनायन की अधिकता और एक क्या है बच्चों धनायन की कमी। अब हम बात करेंगे कि धनायन की अधिकता क्या होती है और बात करेंगे धनायन की कमी क्या होती है। अब बच्चों अधिकता का क्या मतलब है, अगर आप अधिकता शब्द से ही देखेंगे, अधिकता मतलब वृद्धि, अधिकता मतलब बच्चों क्या होता है वृद्धि होता है। अगर कोई आपका क्रिस्टल हो, अगर आपका कोई क्रिस्टल हो और उसमें धनायन की अधिकता हो जाए, धनायन की संख्या में क्या हो जाए बच्चों वृद्धि हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे धनायन की अधिकता कहेंगे। और यही धनायन की संख्या में अगर बच्चों क्या हो जाए कमी हो जाए, धनायन की संख्या में क्या हो जाए कमी हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे धनायन की कमी कहेंगे। तो आइए अलग अलग हम इसको बात करें। तो क्या पहली हेडिंग है बच्चों धनायन की अधिकता, अब धनायन की अधिकता क्या है बच्चों यहां पर आप थोड़ा समझिए। जैसे बच्चों हम आपकी बात करते हैं कि धनायन की अधिकता, कोई एग्जांपल हम बच्चों लेते हैं, जैसे हम आपका ले लेते हैं, आपके बुक में दिया है बच्चों जिंक ऑक्साइड, क्या दिया बच्चों जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर बच्चों हम ले लेते हैं एक जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, मतलब Zn 2 प्लस आयन होंगे और O 2 माइनस होंगे बच्चा, और Zn 2 प्लस और O 2 माइनस, Zn 2 प्लस और O 2 माइनस। तो ये बच्चों जिंक ऑक्साइड का क्या है क्रिस्टल है। अब बच्चों हमने क्या किया, इस क्रिस्टल को गर्म किया, इस क्रिस्टल को गर्म करके हमने क्या कर दिया पिघला दिया, क्या कर दिया बच्चों पिघला दिया। और जब हमने इस क्रिस्टल को क्या किया गर्म किया, क्या किया बच्चों इस क्रिस्टल को हमने क्या किया गर्म किया, तो जब हमने गर्म किया तो हम क्या देखते हैं बच्चों क्या इंसिडेंट होता है, आओ यहां पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए बच्चों जब हमने क्रिस्टल को क्या किया गर्म किया और गर्म करके हमने क्या किया इसका लिक्विड बना लिया है बच्चों। अब क्या बना लिया हमने लिक्विड बना लिया है। अब फिर हमने जब लिक्विड बना लिया बच्चों तो फिर हमने इसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट किया। अब इसको हम सॉलिड में चेंज कर रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं बच्चों। तो हम क्या देख रहे हैं इसे थोड़ा गौर से देखिए, कोई क्रिस्टल है अब इसका हम फिर से सॉलिड बना रहे हैं, तो हम देख रहे हैं बच्चों कि ये जो स्थान होते हैं, अब ये भी जालक बिंदुओं के बीच में जो स्थान होता है बच्चों इनके बीच में से हम क्या कहते हैं बच्चों अंतराकाश कहते हैं, क्या कहते हैं अंतराकाश कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों इसको हम क्या कहते हैं बच्चों आपका अंतराकाश कहते हैं। तो बच्चों जब इसका हम क्या सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं तो हमने देखा कि जब बच्चों हमने इसको लिक्विड फॉर्म में चेंज किया तो इसका तो क्या बना होगा विलयन बना होगा, क्या बना होगा विलयन। तो हमने देखा कि विलयन से इसके अंतराकाश में क्या आ गए हैं जिंक आयन आ गए हैं, Zn 2 प्लस आयन कहां पर आ गए बच्चों इसके अंतराकाश में आ गए हैं। तो और एक बात है बच्चों आपको पता है कोई भी क्रिस्टल तब अस्थायी होता है जब वह क्या होता है बच्चों उदासीन होता है, जब वह विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन का क्या मतलब है, विद्युत उदासीन का मतलब है उसमें धनायन
और ऋणायन मतलब जो बच्चों आवेश है वो धनायन आवेश और ऋणायन आवेश, ऋणावेश और धनावेश क्या हो बच्चों, बराबर हो। तो जैसे ही जिंक आयन आया क्रिस्टल के अंतराकाश में बच्चों, तब कहां से आई, विलयन से आया। कहां से आया बच्चों, विलयन से आया है। तो इसके समीपवर्ती जो अंतराकाश होगा बच्चों उसमें क्या आ जाएंगे, इनको उदासीन करने के लिए क्या आ जाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहां पे क्या 2 प्लस इंक्रीज हुआ, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ बच्चों, उदासीन हुआ। क्या हो गया बच्चों, ये उदासीन हो गया। और क्या इस क्रिस्टल में धनायन की वृद्धि हुई, क्या इस क्रिस्टल में ZN 2 प्लस आयन की वृद्धि हुई, हाँ। तो इसे हम क्या कहेंगे, धनायन की अधिकता कहेंगे। क्या कहेंगे, धनायन की अधिकता कहेंगे। अब इसको बच्चों में लिखेंगे कैसे, कि जब कैसे लिखेंगे बच्चों, जब किसी क्रिस्टल के, जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाश में, जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाश में विलयन से कोई धनायन आ जाता है, जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाश में विलयन से कोई धनायन आ जाता है और क्रिस्टल को विद्युत उदासीन रखने के लिए विलयन से ही उसके समीपवर्ती या उसके समीपवर्ती अंतराकाश में बच्चों क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इस प्रकार से क्रिस्टल में धनायन की अधिकता हो जाती है और इस प्रकार का दोष बच्चों क्या कहलाता है, धनायन की अधिकता कहलाती है। तो लिख लिया जाए, तो आइए तो क्या लिखें बच्चों, इस प्रकार के दोष में क्या बच्चों, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल के, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल के अंतराकाश में, क्रिस्टल के अंतराकाश में विलयन से क्या बच्चों, विलयन से धन आयन, क्या बच्चों, विलयन से धन आयन आ जाते हैं। विलयन से क्या आ जाते हैं बच्चों, धन आयन आ जाते हैं और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, और विद्युत उदासीनता बनाए और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्रिस्टल के अंतराकाश में, क्रिस्टल के अंतराकाश में विलयन से इलेक्ट्रॉन दिया जाते हैं, विलयन से क्या बच्चों, विलयन से इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं विलयन से बच्चों क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं और इस प्रकार क्रिस्टल में धनायन की वृद्धि हो जाती है, क्रिस्टल में धनायन की वृद्धि हो जाती है, धनायन की वृद्धि हो जाती है जिसे
जिसे धनायन की अधिकता कहते हैं, जिसे क्या कहें बच्चों, धनायन की अधिकता कहते हैं। ये बातें बच्चों आपको ध्यान देने वाली बात है। तो अब एग्जाम्पल बच्चों ने क्या लिया है, जिंक ऑक्साइड का लिया है, तो इसके संबंध में हम आपको कुछ बता दें। इसके संबंध में बच्चों हम क्या करते हैं, आपको कुछ बता देते हैं। देखिए बच्चों, जब हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, क्या बच्चों, जब हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, जब हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो यह जिंक आयन वह O2 माइनस के रूप में टूट जाता है। O2 माइनस, और बच्चों यहां इलेक्ट्रॉन भी लिख लीजिएगा, यहां बच्चों एक मिनट थोड़ा मिसिंग है। जिंक आयन वह 1/2 O2 व 2e इलेक्ट्रॉन के रूप में टूट जाता है। क्या बच्चों, जब हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो वह Zn2 प्लस आयन व 1/2 O2 और 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में बच्चों क्या हो जाता है, टूट जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आई बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आई। और यही बच्चों जिंक आयन, यही बच्चों आपका जिंक आयन कहाँ पर प्रवेश कर जाता है, क्रिस्टल के अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है। और यही इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण, जो जिंक ऑक्साइड होता है बच्चों किस कलर का होता है, पीला रंग का होता है। क्या होता है, पीला रंग का होता है। तो एक लाइन बच्चों हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के संक्रमण के कारण जिंक ऑक्साइड का रंग पीला होता है। तो इतनी बातें बच्चों हम आपकी बात कर लिया कि यहां पर धनायन की अधिकता क्या होती है बच्चों। अब हम बात करेंगे आपके ऋणायन की न्यूनता क्या, सॉरी अब हम बात करेंगे बच्चों धनायन की न्यूनता क्या होती है। आओ हम इसे जानें। तो बच्चों हम आपका देखेंगे कि धनायन की न्यूनता क्या होती है, धनायन की कमी कब होती है। अब हमारी बातों को बच्चों आप ध्यान दीजिए। अब धनायन की न्यूनता तभी होगी जब कोई धनायन क्रिस्टल से कहाँ चला जाए बच्चों, बाहर चला जाए। अब क्रिस्टल से बाहर कैसे जाएगा, ये फिनामिना बच्चों हम कैसे देखेंगे, आओ इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पर आपका एक क्रिस्टल बना रहे हैं, बच्चों यहाँ पर हमने आपके क्या बनाया, एक क्रिस्टल बनाया। और क्रिस्टल में बच्चों हम मान ले रहे हैं आपके एक धनायन है और क्या बच्चों एक ऋणायन है। धनायन का नाम बच्चों ए प्लस देते हैं और ऋणायन का नाम क्या देते हैं बच्चों, बी माइनस देते हैं। देखिए आप यहाँ हमने ए प्लस लिखा और फिर बी माइनस, फिर बच्चों हमने क्या लिखा, ए प्लस और बच्चों B माइनस, ए प्लस और बच्चों क्या B माइनस लिखा। और हम बच्चों क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा आप गौर से समझिएगा कि जब इस क्रिस्टल को हमने गर्म किया बच्चों, क्या किया, गर्म किया, तो हम देख रहे हैं क्रिस्टल का धनायन बच्चों क्या हो रहा है, क्रिस्टल से बाहर चला जा रहा है। कहाँ चला जा रहा है, जब बच्चों हमने क्या किया, गर्म किया,
अब जब बच्चों हमने गर्म किया तो हम देख रहे हैं कि ये क्रिस्टल का धनायन जो है कहाँ जा रहा है बच्चों, क्रिस्टल से बाहर जा रहा है, क्रिस्टल से बाहर जा रहा है। अब क्रिस्टल से बाहर जाएगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, यहां पर थोड़ा आप गौर कीजिए। सॉरी क्लोज करें, आवाज आ रही है। बच्चों जब इस क्रिस्टल को हमने गर्म किया मतलब इसका लिक्विफाई किया बच्चों, लिक्विड के रूप में चेंज किया, देन यू कैन सी हियर, तो यहां से बच्चों ए प्लस कहां गया, क्रिस्टल से बाहर चला गया। और जब ए प्लस क्रिस्टल से बाहर चला गया बच्चों, जब क्रिस्टल से बाहर चला गया तो इसमें धनायन कितना ए प्लस है, और ये बच्चों ए प्लस है, ये बी माइनस, ये बी माइनस, ये क्या बच्चों बी माइनस है। तो लेकिन बच्चों धनायन तो बाहर चला गया, तो लेकिन एक बात और बच्चों, जो क्रिस्टल की उदासीनता होनी चाहिए, विद्युत उदासीनता मतलब ऋणावेश और धनावेश का जो रेशियो होना चाहिए वह सदैव बराबर होना चाहिए। तो इसलिए आपका जो धनायन है, आपका जो बच्चों रिमेनिंग धनायन है, रिस्ट पॉजिटिव आयन है बच्चों, उन्होंने अपना क्या किया, आक्सी ऋणावस्था को क्या किया बच्चों, यहाँ पे ए प्लस है, इन्होंने बढ़ा करके क्या कर लिया, ए टू प्लस कर लिया, क्या कर लिया, ए टू प्लस कर लिया। और आपको पता है कि परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है, तो डी ब्लॉक के तत्व, कौन बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ इन्होंने अपनी आक्सीकरण अवस्था को क्या कर लिया बच्चों, बढ़ा लिया। इसलिए आप जानते रहिए बच्चों, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व के यौगिक तत्वों के यौगिक या क्रिस्टल क्या प्रदर्शित करते हैं बच्चों, धनायन की न्यूनता प्रदर्शित करते हैं, धनायन की न्यूनता प्रदर्शित करते हैं। ये बच्चों आप जानते रहिए। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, समझाएंगे कैसे, तो यहां पर देखिए बच्चों, तो धनायन की न्यूनता है बच्चों इस प्रकार के दोष में कोई बच्चों धनायन एक से ज्यादा भी हो सकते, एक भी हो सकता, इस प्रकार के दोष में कोई धनायन क्रिस्टल के बाहर चला जाता है और जालक बिंदुओं पर मौजूद क्रिस्टल के धनायन, जालक बिंदुओं पर मौजूद धनायन अपने आक्सीकरण अवस्था को बच्चों बढ़ा देते हैं, तो इस प्रकार का दोष बच्चों क्या कहलाता है, धनायन की न्यूनता कहलाता है। तो इसे हम लिख लीजिए, आइए, इस प्रकार के दोष में इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल से कोई धनायन क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल से कोई धनायन क्रिस्टल से बाहर चला जाता है और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य धनायन अपनी आक्सीकरण अवस्था को अन्य धनायन अपनी आक्सीकरण अवस्था को बढ़ा देते हैं, क्या है बच्चों, बढ़ा देते हैं। तो
इस प्रकार का दोष, तो इस प्रकार का दोष धनायन की न्यूनता, इस प्रकार का दोष धनायन की न्यूनता कहलाता है। ठीक है बच्चों, हमें आशा है कि यह हेडिंग बच्चों आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे आपका बच्चों जो लास्ट हेडिंग है आपके दोष से रिलेटेड, वह है बच्चों अशुद्धि दोष। अब अशुद्धि दोष बच्चों क्या होता है इसको आओ हम समझे। सबसे पहले देखिए बच्चों, अगर आपका कोई क्रिस्टल है, अगर आपका कोई क्रिस्टल है मतलब किसी का हम क्रिस्टल हम तैयार कर रहे हैं, किसी यौगिक हम क्या बना रहे हैं, क्रिस्टल बना रहे हैं बच्चों, तो यदि हम उसमें कोई अशुद्धि मिला दें और अशुद्धि के कारण उसमें कोई दोष आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, अशुद्धि दोष कहते हैं। तो इसको बच्चों कैसे लिखेंगे इसको आओ हम समझें। क्या बच्चों, अशुद्धि दोष क्या होता है? अशुद्धि दोष, तो जो अशुद्धि दोष क्या है, वह दोष जो अशुद्धि मिलाने के कारण उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे, अशुद्धि दोष कहेंगे। एकदम सिंपल सा बच्चों, वह दोष जो अशुद्धि मिलाने के कारण उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे, अशुद्धि दोष कहेंगे। तो इसमें आप बच्चों लिख सकते हैं, वह दोष जो अशुद्धि मिलाने के कारण, जो अशुद्धि मिलाने, वह दोष जो अशुद्धि मिलाने के कारण उत्पन्न होती है उसे अशुद्धि दोष, उसे अशुद्धि दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, अशुद्धि दोष कहते हैं। जैसे बच्चों यहां पर हमने एक सोडियम क्लोराइड क्या लिया, क्रिस्टल लिया। क्या लिया बच्चों, हमने सोडियम क्लोराइड क्या लिया, यहां हम सोडियम क्लोराइड बच्चों क्या दिखा रहे, क्रिस्टल आपको दिखा रहे हैं। और क्रिस्टल के जो जालक बिंदु है बच्चों वहां पर आपका सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन और सोडियम आयन और बच्चों क्या है, क्लोराइड आयन मौजूद है। और इसमें हमने बच्चों क्या किया, आपका स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की अशुद्धि मिला दिया बच्चों। स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड क्या मिला दिया हमने, अशुद्धि मिला दी। और जैसे ही बच्चों ने स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाई तो हम क्या देखते हैं बच्चों, यहां पर थोड़ा गौर कीजिए, क्या देखते हैं बच्चों, कि यहां पर स्ट्रॉन्शियम, अगर बच्चों स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड देखेंगे तो किसमें ब्रेक होगा बच्चों, Sr2+ प्लस स्ट्रॉन्शियम आयन और बच्चों क्या, क्लोराइड आयन में ब्रेक होगा। तो स्ट्रॉन्शियम आयन क्या करेगा, दो सोडियम आयन को क्या रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। तो यहां पे बच्चों यहां पे लिख दिया हमने स्ट्रॉन्शियम आयन Sr2+ प्लस, तो यहां पे क्लोराइड आयन होगा बच्चों, और दो हटाएगा, एक इसको हटाया और एक इसको हटाया, तो यहां पर बच्चों आपका ये जालक बिंदु खाली ही रहेगा और यहाँ पर क्लोराइड आयन है और यहाँ पर सोडियम आयन है और यहाँ पर क्या बच्चों, क्लोराइड आयन है। तो इसको हम क्या कहें बच्चों, अशुद्धि दोष कहेंगे। क्या कहेंगे, अशुद्धि दोष कहेंगे। अब लिखेंगे बच्चों इसको, थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको समझ में बातें पूरी आ जाए। तो हम क्या लिख रहे हैं बच्चों,
कि जब सोडियम क्लोराइड में स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाते हैं, तो स्ट्रॉन्शियम आयन दो सोडियम आयन को उसके जालक बिंदु से प्रतिस्थापित कर देता है। अतः यह अशुद्धि दोष है। अतः जो इस दोष को हम क्या कहते हैं, अतः यह दोष अशुद्धि दोष कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी दोष जो होता है क्रिस्टलों में दोष बच्चों खत्म हो गया, फिनिश्ड हो गया बच्चों। अगर बच्चों कहीं पर भी आपको डाउट्स है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आई होप बच्चों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।